चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये मैडम अष्टिबनी मुख्य शिक्षिका का पदभार संभाला। 21/9/2016 से ये इन्होंने जीपीएस धारणिया में बेहतर मुख्य शिक्षिका ज्वाइन किया जब ऑनलाइन ट्रांसफर हुई थी, और आज तक इन्होंने यहाँ कार्य किया है। इनकी सेवा लगभग 38 वर्ष से ज्यादा है, जो कि किसी किसी की होती है, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अब तो लगभग 30 के आसपास ही ज्वाइन करते हैं, टेस्ट भी होते हैं और कई प्रकार की पढ़ाई भी ज्यादा होती है। जब इन्होंने स्कूल में यहाँ ज्वाइन किया तो हमारे स्कूल में जो प्रांगण था वो उबड़ खाबड़ भी था, और इनकी मैडम की देखरेख में ही सतबीर सर थे हमारे, और मैं और हमारा स्टाफ सारे ने मिलकर के, और हमने हनुमान सरपंच जी का भी सहयोग लिया था उस टाइम, इनका ट्रैक्टर भी लिया था, 10-15 घंटे चला के हमने इसको समतल करवा करके ये पौधे वगैरह लगाए, और मैडम की मार्गदर्शन में ही हमने मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में भाग लिया, और वर्ष 2020-21 में हमारा विद्यालय खंड स्तर पर प्रथम भी रहा, तो ये इनकी एक उपलब्धि रही। इसके बाद हमारा विद्यालय संस्कृति मॉडल बना, और इसमें अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाई हो रही है। मैडम मृदुभाषी हैं, अपने काम को समर्पितता में विश्वास रखती हैं, सबके साथ बड़ा सौम्य व्यवहार रखती हैं। पिछले लगभग 7 सालों में एक दिन भी मैडम को गुस्से में नहीं देखा, इन जितनी सौम्यता सहनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। तरह तरह के पकवान बनाने में माहिर हैं, छोटी कक्षाओं को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। बच्चे इनसे बहुत प्रेम करते हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से आपको सुखद रिटायरमेंट की ढेरों बधाइयां। कंपानी जी को कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें मैडम की विदाई पार्टी के संबंध में। असली कंपानी बहुत ही महान में सम्मान के होंगे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु मैडम विनोद कुमारी जी, श्री भक्तभूषण सरदाना जी, डॉक्टर अर्णव सरदाना जी, बिटिया महक सरदाना, आपका इस विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन